सहजनवा में कलयुगी टीचर की करतूत उजागर हुई है। दरअसल 8वीं की छात्रा ने टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं इस बात की जानकारी छात्रा के परिजनों को होने पर स्थानीय लोगों के साथ स्कूल का घेराव किया। इस दौरान मौके से आरोपी टीचर पिटाई के डर से फरार हो गया, जबकि हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रबंधक और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। साथ ही कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। आपको बता दें, सहजनवा थाना के वार्ड नंबर 4 का है, जहाँ सेंट जोसेफ स्कूल की 8वीं की छात्रा ने टीचर साजी एमसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित छात्रा के परिजनों के मुताबिक आरोपी टीचर और भी छात्राओं से छेड़खानी किया करता है। टीचर की करतूतों की वजह से उसके पास जाने से छात्राएं कतराती हैं, जबकि इस मामले में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता का कहना है कि छात्रा के द्वारा टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी टीचर की करतूत कैद हुई है। मामले की जाँच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, पुलिसकर्मी पूछता पुलिसकर्मी पूछता जी। प्राथमिक जांच में एक बच्चे ने जो है किसी टीचर पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है और मुकदमा दर्ज करके जो भी कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से विधिक करके अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।